गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उज्जैन महाकाल मंदिर में एक युवती द्वारा डांस वीडियो बनाने पर कलेक्टर एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, धार्मिक आस्थाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि छिंदवाड़ा नगरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष धमकाते रहते हैं, जब जीत जाते हैं तो अपने आप को लोकप्रिय बताते हैं और हारने पर दूसरों का एजेंट। कांग्रेस उहापोह की स्थिति में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में 26 लोगों ने वोट नहीं डाला। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के 19 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की। उन्होंने आम आदमी पार्टी को निशाने में लेते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जब कोई नेता फंसता है तो उन्हें महापुरुष याद आते हैं। गांधी जयंती पर राजघाट नहीं जाने वाले मनीष सिसोदिया शराब कांड में फंसने पर महात्मा गांधी की समाधि पर गए। ये कांग्रेस के लोग हैं, कभी कमलनाथ जी धमकाते हैं, कभी नेता प्रतिपक्ष धमकाते हैं। जब हारने लगते हैं तो इनको फिर एजेंट याद आ जाते हैं, जीतते हैं तो अपने आप को लोकप्रिय बताने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हार रही है। छिंदवाड़ा में सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, जहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं नगर पालिका नगर पंचायत में। कांग्रेस बड़ी ऊहापोह में या विचित्रताओं में चल रही है। उनका आंतरिक मामला है, पर आप सवाल हमसे कर देते हो, फिर वो कहते हैं कि हमारे आंतरिक मामले में न बोले। अब 26 लोगों ने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट नहीं डाला, 19 लोगों ने राष्ट्रपति के लिए क्रॉस वोटिंग करके वोट नहीं डाला, उसके पहले 28 लोग छोड़ गए थे। शराब का बचाव के लिए महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए थे, 2 अक्टूबर को नहीं गए सिसोदिया जी, 2 अक्टूबर को जाते भी नहीं है वो। पर जैसे ही आम आदमी पार्टी का कोई फंसता है तो फिर इनको महापुरुष याद आने लगते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर में वीडियो बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर में वीडियो बनाने संबंधी मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में कलेक्टर एसपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुक्का लाउंज को लेकर उन्होंने कहा, इसके लिए कानून ला रहे हैं, 3 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। मेरा पहले तो उन बच्चियों से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो बनाने के और भी स्थान हो सकते हैं, कुछ पवित्र स्थानों को छोड़ें। और हम पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी घटना या स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ किसी को करने दिया जाएगा। मैंने कलेक्टर एसपी को बोला है, महाकाल मंदिर का जो प्रशासन है उसकी ओर से अभी रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो वीडियो देखने में आ रहा है वो 6 माह से ज़्यादा पुराना प्रतीत हो रहा है, इसलिए पुलिस को जांच का बोला है। का लाउंज के बारे में कानून हम ला रहे हैं और 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का अलग अलग कॉलम है। मिश्रा ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट की आधिकारिक और वैज्ञानिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, जांच की जा रही है। अभी नए वेरिएंट की जो चर्चा है उसकी पुष्टि आधिकारिक या वैज्ञानिक अथवा डॉक्टरों के बतौर पर नहीं हुई है। उसकी डॉक्टरों की एक टीम जो है उसको इसका कहा गया है कि वो इसको पुष्टि करें, जांच करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।